नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। जेई एडवांस 2025 के एस्पिरेंट्स, पेरेंट्स और फैकल्टीज में चर्चाओं का दौर गर्म है। जो ही जेई एडवांस 2025 को आयोजित करने वाली आईआईटी कानपुर ने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया का सर्कुलर 2025 के लिए जारी किया गया है, त्यों ही बाजार में चर्चाओं का, जोश का, प्लस माइनस कमेंट्स का दौर गरम है। तो आज हम जानेंगे जेई एडवांस 2025 में क्या विशेष चेंजेस सुनने को मिल रहे हैं, क्या संभावनाएं हैं। आईआईटी कानपुर इस एग्जाम को करवाएगा और इसमें जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, किस तरह के बच्चे, कौन कौन से बच्चे जेई एडवांस 2025 दे सकते हैं, क्या मेजर चेंजेस हुए हैं। मैं नीरज अग्रवाल सर के साथ में चर्चा को आगे बढ़ाना चाहूँगा। नीरज सर, पहला तो आ गया परफॉर्मेंस इन जेई मेन 2025, देखो देखे कोई बड़ा बदलाव किया क्या? बिल्कुल, आज का वीडियो जेई एडवांस की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए बड़ा ही शानदार होने वाला है और इसको लाइक शेयर कमेंट जरूर करें, सभी एस्पिरेंट्स तक अभी शेयर कर दें, लास्ट तक बने रहें, काम की चीज लास्ट तक आपको उपलब्ध रहेगी। इसमें सबसे पहले जो क्राइटेरिया है वो है परफॉर्मेंस इन जेई मेन। इसमें कोई चेंजेज नहीं किए गए हैं, पहले भी यही थे कि टॉप जेई मेन के टॉप 2.5 लाख बच्चे जेई एडवांस के एग्जाम में बैठ सकते हैं। अभी भी सेम 2.5 लाख को ही मौका दे रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे, बढ़ा नहीं तो रहे। 2.5 लाख कैटेगरी वाइज हैं, जिनकी कैटेगरी आप कैटेगरी वाइज सीटें देख सकते हैं। एज इट इज जो पहले था वैसे ही हम चलते हैं की बिंदुओं की तरफ। एज लिमिट में भी कोई चेंज हुआ क्या नीरज सर? एज लिमिट में भी कोई बदलाव नहीं है। लास्ट ईयर 1 अक्टूबर 1999 था, इस बार 1 अक्टूबर 2000 कर दिया गया है, तो यानी यहाँ पर भी कोई बदलाव देखा लेकिन नहीं देखने है। को लगता है कि 24-25 साल का बच्चा जी एडवांस दे सकता है, लेकिन उसके बीच में पेच है। पेच क्या है वो जिक्र हम आगे करेंगे। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे। जेई एडवांस 2025 की सर्कुलर ने अब तक का सबसे महत्वपूर्ण और सबसे बड़ा परिवर्तन जो किया है वो, पहले जेई एडवांस में 2 अटेम्प्ट मिलते थे, केवल 2, और नीरज सर 2 से अटेम्प्ट अब बढ़ चुके हैं और अब 3 टाइम्स इन 3 कंसेक्यूटिव ईयर्स 3 साल लगातार 3 बार जेई एडवांस का एग्जाम दे सकता है। पहले ये एग्जाम बच्चा केवल 2 बार ही दे पाता था। लंबे समय से बच्चे इस चीज की डिमांड भी कर रहे थे और इस बार जेई ने बच्चों की डिमांड को पूरा किया है। तो पहले जैसे 12th के साथ और 12th के बाद 2 बार बच्चा दे सकता था, अब वो बढ़ाकर 3 चांस 12th के साथ भी और 12th के 1 साल बाद भी। बिल्कुल जी, जेई एडवांस आपके लिए हाजिर है। तो बच्चों में काफी खुशी का माहौल भी है इसको लेकर और फैकल्टीज भी उत्साहित है, जोश है, उत्साह है जी, बहुत अच्छा है। लेकिन इसका एक्चुअल में क्या क्या रिजल्ट्स, क्या क्या फायदे और नुकसान है, सभी पे अपने अपने व्यक्तिगत कमेंट्स हैं। कई लोग ये भी कह रहे हैं कि 2 अटेम्प्ट्स में भी अच्छा बच्चा छांट लिया जाता है, लेकिन मैं कहना चाहूँगा जैसे नीट में मल्टीपल अटेम्प्ट्स हैं, कई बच्चे जो शुरुआत में मौका नहीं मिल पाता, जिनको तैयारी नहीं हो पाती, 12वीं तक तैयारी से वंचित रह जाते हैं, उन बच्चों के लिए आगे नीट में अवसर जैसे रहते हैं, वैसे जेई एडवांस्ड में भी अब अवसर रहेंगे। और जो बच्चे अच्छे संस्थानों तक शुरू में नहीं पहुंच पाते, प्री फाउंडेशन नहीं कर पाते जो दौर था, उन बच्चों को भी जेई एडवांस के लिए 1 साल और देने का अवसर मिलेगा, 1 साल तैयारी करने का और मौका मिलेगा। बिल्कुल, जैसा तो, डॉक्टर साहब ने बताया, जो एवरेज बच्चे होते हैं उनको, उनके पास आईआईटी में जाने के लिए एक अच्छा सुनहरा मौका ये मिल गया है। एवरेज के साथ साथ अपन ये भी कह सकते हैं जो पहले अच्छी जगह नहीं पहुंच पाए उनको भी एक अवसर मिलेगा। मतलब आप अपने आप को अच्छे प्लेटफॉर्म तक पहुंचाने के लिए 1 वर्ष का और ऑप्शन लेकर चल रहे हैं जेई एडवांस 2025 के लिए। अब आते हैं 3 टाइम्स वाला, क्लियर हो गया। 3 टाइम्स के बाद बच्चों में वास्तव में उत्साह है। जो स्ट्रेस की बात कही जाती है बच्चों में, एग्जाम को लेकर, सिलेक्शन होगा तो क्या, नहीं होगा तो क्या होगा, नहीं होगा तो क्या होगा, इससे बच्चों का स्ट्रेस लेवल भी थोड़ा सा कम होगा, कम होगा बच्चों में, ये रहेगा कि हाँ मेरे पास अवसर है और मैं बिना तनाव के पढ़ाई कर सकता हूँ, ये सबसे पॉजिटिव पॉइंट इसका है। अपीयरेंस इन क्लास 12th एग्जामिनेशन, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि जिन बच्चों ने 12th का एग्जाम 2023 में दिया था वो बच्चे भी अब जेई एडवांस का एग्जाम दे सकते हैं। बड़ा परिवर्तन है, पहले 25 के लिए 23 वाला एलिजिबल नहीं था, इस साल शुरू में बच्चों को पता नहीं था, लेकिन अब अचानक से खबर आई है। हालांकि इस साल मुझे लगता नहीं कि इस खबर का ज्यादा फायदा बच्चों को मिलेगा, क्योंकि 23 का बच्चा अपने आप कहीं ना कहीं सेट
हो चुका है। लेकिन कोई कई बच्चे डॉक्टर साहब ऐसे भी थे कि जिन्होंने 2023 का एग्जाम दिया था लेकिन वो अब सिर्फ जेईई मेन की तैयारी कर रहे हाँ, थे। उन बच्चों को वास्तव में फायदा मिलेगा, वो एडवांस भी दे पाएंगे और आगे जाके इन बच्चों का, इस रूल का बड़ा इम्पैक्ट बच्चों में देखने का मिलेगा और मैं कह सकता हूँ सकारात्मक इम्पैक्ट देखने को मिलेगा। और अब आते हैं सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पे, 3 अटेम्प्ट से भी ज़्यादा महत्वपूर्ण, 12th परसेंटेज। जेई एडवांस 2025 में शामिल होने के लिए 12th में परसेंटेज कितने होने चाहिए? इसमें अभी पहले तक, तो होते थे 75%, और इस बार जेई ने अपनी साइट पर 75% का कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ, वो कहीं भी मेंशन नहीं किया हुआ, तो इसके ऊपर डाउट्स ज्यादा हैं। मेंशन नहीं किया हुआ। और 12th पास PCM एंड इंग्लिश लैंग्वेज अदरवाइज जो क्राइटेरियाज लिखे हुए हैं उसमें किसी 60, 70, 75 किसी परसेंटेज का जिक्र नहीं है। इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि परसेंटेज का क्राइटेरिया हटा दिया गया है, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण लोचा है बीच में। लेकिन इसमें कहीं भी ये भी नहीं लिखा हुआ कि 75% होना जरूरी है, और कहीं ये भी नहीं लिखा हुआ कि सेवेंटी फाइव जरूरी परसेंट नहीं नहीं है, है। लेकिन एक बीच में लोचा ये आ रहा है कि जेई मेन 2025 का जो ब्रोशर है उसके अंदर अभी भी 75% परसेंट का का क्राइटेरिया क्राइटेरिया बना हुआ है। है। इसलिए अगर मेन में 75 चाहिए तो फिर एडवांस में हटा दो, चाहे कोई फर्क नहीं नहीं पड़ता। पड़ता। लेकिन मैं कहना चाहूंगा कि जेई मेन का ब्रोशर है वो जल्दी जारी हुआ हुआ है, जेई एडवांस का अब जारी हुआ है, तो हो सकता है आने वाले समय में जेई मेन में भी वो परिवर्तन कर दें और 75% का क्राइटेरिया दोनों जगह से हटने की संभावना लग रही है। लेकिन अभी इसको अंतिम रूप से फाइनली स्टाम्प ठप्पा लगाकर नहीं कह सकते कि परसेंटेज हट गए, संभावना लग रही है, थोड़े से समय का और इंतजार और करना इंतजार पड़ेगा। करना चाहिए जी नीरज सर, तो बिल्कुल। और अब आती है सिलेबस की बात, तो सिलेबस में बार कई बार कहते हैं कि बच्चों का तनाव कम करो, तनाव कम करो, सिलेबस घटाओ, तो इन्होंने सिलेबस में घटा दिया तो इधर सिलेबस। सिलेबस में तो कहीं कोई चेंजेज नहीं किए गए हैं, लेकिन जी उन्होंने तनाव कम करने के लिए बच्चों को एक अटेम्प्ट दे एक दिया है। अटेम्प्ट दे दिया गया है। तो हर बार जेई कुछ नया लेके आती है। कोरोना जी में भी बच्चे कह रहे थे कि हमें हमारा हाँ, जेई सिलेबस, बराबर सरप्राइज देती है, चाहे हाँ पेपर हो चाहे रूल्स रेगुलेशन हो, हाँ जेई का काम सरप्राइज देना है ताकि जेई में सरप्राइज को झेलने वाले बच्चे पहुंचे। तो सिलेबस सेम में है, कोई बड़ा चेंजेस नहीं है। अर्ली एडमिशंस एट IITs पहले का नियम था, जो बच्चा पहले ज्वाइन कर चुका है, रिपोर्टिंग कर चुका है, ड्रॉप नहीं किया, वो आगे एग्जाम नहीं दे सकता। प्रिपरेटरी कोर्सेज के जो बच्चे हैं वो वो अगले साल एग्जाम की दे जेई सकते हैं। एडवांस की एग्जाम दे सकते हैं। तो नीरज सर, समापन की तरफ चलते हैं। आज बिल्कुल का ये बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो जिसमें जेई एडवांस 2025 में क्या क्या क्लियर कट चेंज हो चुका है और क्या क्या संशय है और संशय में भी फाइनली होने की क्या क्या संभावनाएं बिल्कुल, हैं। तो काफी चेंजेस किए गए हैं, तो जेई वाले बच्चों के लिए खूब इंपॉर्टेंट रहेगा। तो अपने दोस्तों के साथ, जो भी आपके दोस्त IIT की तैयारी कर रहे हैं, उनके साथ लाइक शेयर जरूर करें। हाँ, इस वीडियो को शेयर करके सब तक सूचना पहुंचाएं और फिर लग जाएं जेई एडवांस 2025 के लिए। मेन तो सिर पे आ ही गई है और ऐसे करते करते अप्रैल भी आ जाएगा और एडवांस भी आ एडवांस भी आ जाएगा। जाएगा। जेई 2025 में शानदार रैंक का परचम आप सभी को लहराना है, जेई मेन 2025 में शानदार रैंक का परचम आप सभी को लहराना है। आप सभी को बहुत 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 शुभकामनाएं, शुभकामनाएं, विश यू ऑल ऑल द द बेस्ट। बेस्ट।